हमारे YouTube चैनल एकता समाचार को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल के बटन को दबाए और नई नई खबरें देखें। धन्यवाद। सागवाड़ा ब्लॉक के पेरेंट्स प्राइड माध्यमिक विद्यालय भिलुड़ा की छात्रा आस्था सोमपुरा के 10वीं बोर्ड में 89% अंक अर्जित करने पर परिवार एवं सोमपुरा समाज में खुशी का माहौल रहा। आस्था सोमपुरा ने अपनी इस सफलता का श्रेय पिता भूपेंद्र सोमपुरा एवं माता चेतना सोमपुरा द्वारा किए गए सहयोग एवं विद्यालय के शिक्षकों द्वारा दिए गए मार्गदर्शन एवं अपने परिश्रम को दिया है। बेटी, पहले तो हम एकता समाचार के माध्यम से आपको शुभकामना देते हैं। आपने फादर का नाम रोशन किया है, तो बताइए, पहले तो आपका नाम बताइए और कौन सी स्कूल में आप पढ़ते थे? मेरा नाम आस्था सोमपुरा है और मैं पेरेंट्स प्राइड सेकेंडरी स्कूल भिलुड़ा स्कूल से पढ़ी हूँ। और वहाँ की टीचर्स, स्टाफ मैनेजमेंट बहुत ही बढ़िया था। जो टीचर ने हमें बहुत सपोर्ट किया, खास करके दीपक जी पंड्या सर को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने हमें बहुत मोटिवेशन किया। और साथ ही मैं एकता समाचार को भी धन्यवाद कहूँगी कि वो बालक बालिकाओं को इंस्पिरेशन देते हैं। और इससे इसमें सबसे बड़ा हाथ मेरी फैमिली का रहा है। उन्होंने मुझे कोई कमी नहीं महसूस होने दी और उन सब ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। लक्ष्य क्या है? मेरा लक्ष्य है डॉक्टर बनना और देश की सेवा करना। ये आपने इतने अच्छे अंक प्राप्त किए, तो ये से किसको जाता है? सबसे ज्यादा श्रेय मेरे दादा दादी का जाता है, फिर मेरे मम्मी पापा का जाता है और फिर मेरी पूरी फैमिली को और मेरे पूरी स्कूल स्टाफ फ्रेंड्स को और मेरे टीचर्स को। आपको पता था मैं इतने अच्छे अंक प्राप्त करूंगी? हाँ, मुझे पता था कि मैं इतने अच्छी मेहनत करूंगी और इतने अच्छे मैं अंक प्राप्त करूंगी। मैं इतने मार्क्स लाई उसका श्रेय मेरी स्कूल को भी जाता है और मेरे सब्जेक्ट टीचर्स को भी जाता है, जो उन्होंने हर डाउट सॉल्व किए हैं और मुझे बहुत सपोर्ट किया है। सबसे ज़्यादा श्रेय जाता है मेरे सब्जेक्ट टीचर मनीषा मैम, कविता मैम, दीपक सर और बीके सर, मनीष सर, मेहुल सर, उन सबको बहुत बहुत मेरा धन्यवाद। और साथ ही दीपक जी पंड्या सर, जिन्होंने मुझे इंस्पिरेशन दी और बहुत मोटिवेशन किया, उसके लिए मैं स्कूल का, सब्जेक्ट टीचर का, डायरेक्टर सर का और मेरी फैमिली का बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहती हूँ कि आपकी वजह से ही मैं इतने परसेंटेज ला पाई हूँ। करूँगी कि मैं 10th में जितने परसेंटेज लाई हूँ उतने 12th में भी उससे ज़्यादा 90-95 अबोव लाने की कोशिश करूँगी और अपनी फैमिली का नाम रोशन करूँगी। और एकता समाचार को मेरी तरफ से बहुत धन्यवाद कि वो सबको इंस्पिरेशन देते हैं और सबको मोटिवेशन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे वागड़ क्षेत्र के भैया बहनों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं वागड़ क्षेत्र के भैया बहनों को यही संदेश देना चाहती हूँ कि अगर आपके कम बने तो कोई बात नहीं, आगे आप इतनी मेहनत करो। मेरे भी कुछ मजबूरियाँ थी, मेरे आँखों में प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से मैं अच्छा नहीं दे पाई अपना बेस्ट, बट तो भी मैं इतने 89% लाई हूँ। और मेरा संदेश यही है कि भले आप मेहनत करें पर अच्छी करें, भले 16 घंटे बैठ हैं पढ़ाई करते हैं उससे कुछ मतलब नहीं, घंटे जितने भी पढ़ाई करोगे उससे कुछ मतलब नहीं, पर आपके अंदर वो टैलेंट कितना है, आपको समझ में कितना है, वो मायने रखता है। वो आगे बढ़ाने में माँ का बहुत ही बड़ा योगदान होता है। उस योगदान को आज काबिलियत की बेटी ने और आज बेटी ने बहुत अच्छे नंबर लाए, तो बताइए बेटी के बारे में, क्या आपको पता था बेटी इतने अच्छे नंबर लाएंगे? बताइए बेटी के बारे में, कितने घंटे बेटी पढ़ती थी? 6-7 घंटे बैठे। हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ जिन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई है और जो बच्चों में प्रतिभाएं हैं उसको खोज खोज के आगे लाने का मार्ग आपने जो प्रशस्त किया मीडिया के माध्यम से, उसके लिए मैं आपका पहले तो आभार व्यक्त करता हूँ। और दूसरा है कि ये जो आस्था है, जो प्रयोजन था उस आस्था को उसने नाम सार्थक किया हुआ है। उसकी कुछ कमजोरियां भी थी, शारीरिक कमजोरी थी या जैसे आँखों में उसकी समस्या थी, देखने में प्रॉब्लम चल रही थी, तो उस कमजोरियों को उसने अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया और 89 मार्क्स जो इंग्लिश मीडियम में लाई है वो वाकई काबिले तारीफ है। उसकी मेहनत भी थी और साथ में उसके स्टाफ स्कूल में जो टीचर्स वगैरह थे उन्होंने भी इसके पीछे काफ़ी मेहनत की है। इसको मुझे उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी कि आस्था पढ़ो, उठो, पढ़ाई करने के लिए बैठो, वो उसने सेल्फी किया है और काफ़ी उसके पीछे मेहनत लगी है उसकी दादी की लगी है। दादी जी ने उसको जब
चाहिए तब उठना पड़े, तब उस वो भी जगिए साथ में, और बिल्कुल अपने पूरा के पूरा जो मेहनत है वो उसके साथ में उसकी दादी की भी मेहनत रही है। तो पहले तो बेटी की बधाई देते हैं आपको हम, और आज बेटी ने संपूर्ण समाज का, पूरे परिवार का नाम रोशन किया है, बताइए। हमारी बेटी भारत माता की बेटी, हमारी बेटी बहुत पढ़ाई करके आगे बढ़े, ऐसी हमारी शुभकामना है। देखिए एक अक्षर भी नहीं पढ़ पाए, लेकिन क्या करें, समस्या ऐसी थी, अब क्या करें, हम तो आगे तो बढ़ाना है आस्था सोमपुरा को, और उसको आगे बढ़ाना है, वही भविष्य उज्जवल है हमारा, वही आस्था सब कुछ है हमारी। तो आज सोमपुरा समाज का बेटी ने नाम रोशन किया है, धन्यवाद, इसके लिए हम बधाई देते हैं आपको, आपके परिवार को बधाई देते। बताइए बेटी कितने घंटे पढ़ती थी? 5-6 घंटे पढ़ती थी घर पे। बताइए बेटी के बारे में बताइए। बेटी बस ये पढ़ाई तो अच्छी तरह कर रही है वो। बेटा बताइए, बहना ने इतने अच्छे नंबर लाए, और आपकी आपके क्या विचार है बताइए। मेरा नाम हेमंग सोमपुरम, मैं क्लास कक्षा 7वीं में पढ़ता हूँ। मेरे पापा का नाम है भूपेंद्र सोमपुरम, मेरी मम्मी का नाम है चेतना सोमपुरा, और मेरी बहन को बधाई देता हूँ जित उसने बनाए। तो मैं भी बड़े होके, मतलब मैं भी आगे जाके मैं बहुत सारे परसेंटेज बनाने की कोशिश करूँगा। एकता समाचार वाले को धन्यवाद।